स्टैंडर्ड 6 इंग्लिश 2 लेसन नंबर 36 इंटरजेक्शंस उसका पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने इंटरजेक्शन के लिए थोड़ी समझौती ली थी और अब उसकी कौन सी फिलिंग में हम कौन सा इंटरजेक्शन यूज करेंगे अब ये हम लिखेंगे। फर्स्ट वन जॉय, जॉय का मीनिंग यानी कि बहुत खुश होना, जॉय का मीनिंग बहुत खुश होना। तब हम यूज करेंगे हुर्रे, तब हम यूज करेंगे हुर्रे, ठीक है। दूसरा है सोरो, सोरो यानी कि दुख, सोरो का क्या मीनिंग है दुख। इधर पे चलो, सोरो का क्या मीनिंग है दुख। दुख में है क्या क्या इंटरजेक्शन है, अल्लाह एक साथ नहीं बोलना है, किसी को भी एक साथ नहीं बोलना है, अल्लाह के बाद अप्रूवल, किसी को हमें शाबाशी देनी है उसको उसका मोटो बढ़ाना है तब सम्मान देना है, तब हम बोलेंगे ब्रेवो। क्या बोलेंगे ब्रेवो। और किसी भी इंटरजेक्शन के साथ हम पीछे ये एक्सप्लेनेशन मार्क लगाएंगे। पीछे वाली बेंच। उसके बाद है अटेंशन, इनमें से किसी भी वर्ड का कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं होता, जैसे कि ओ हुर्रे हुर्रे तो हम ऐसे ही बोलते हैं ना हुर्रे, तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता। ऐसे ही किसी की अटेंशन हमको लेनी हो तब हम बोलेंगे खुश और लो, ये नए वर्ड्स है, ओके। अगर हम सरप्राइज हो तब हम यूज करेंगे हाँ वोट वोट इंडीड और वो, ये सारे वर्ड हम किसी भी चीज से सरप्राइज हो तब हम यूज कर सकते हैं, तब हम यूज कर सकते हैं, ओके। अगर कोई क्लास में फर्स्ट आता है वो कभी भी फर्स्ट नहीं आया होता और आज इस एग्जाम में फर्स्ट आता है तो हम क्या कहेंगे, वोट का यूज करके बनाओ सेंटेंस, वोट का यूज करके सेंटेंस। ऐसे नहीं बोलना है, यू हैव टू योर फिंगर अप, वॉट फर्स्ट वोट ही रैंक फर्स्ट, क्या वो फर्स्ट आ गया, आश्चर्य आश्चर्य है ना, हमें हम सरप्राइज हो गए इसलिए आश्चर्य के साथ हमें बोलना है। चल अब सेकंड टू बोलेगा, चल ओ दुख के साथ ओ, चलो एक सेंटेंस बनाओ। आई कैन लास्ट इन माय ओ
I came last in I came last in my in my class. I came last in my class. You have to speak this expression. क्योंकि ये यूनिट ही एक्सप्रेशन वाला है, फीलिंग्स वाला है. ओके किसी से भी मैं पूछूंगी तो सबका ध्यान यही होना चाहिए और जो बातें करेगा उसको मैं पहले पूछूंगी. बॉयज में से फर्स्ट. यस एडमायरेशन. एडमायरेशन वो क्या होता है? प्रेज करना, किसी की किसी के बारे में अच्छा अच्छा बोलना, उसको बोलते हैं एडमायरेशन. तारीफ करना. चलो उसके लिए भी हम ब्रेवो यूज करेंगे. क्या करेंगे? ब्रेवो. ब्रेवो लिख लो सर. जाना कहीं कब तक खड़ा रहेगा? मुझे ऐसे ही खाता है. खाता है मतलब अच्छा लगता है. नाउ विल डू एक्सरसाइज. क्लीन तो क्या मैं कर क्या? नहीं मैंने इसको बोला है ना बात. हाँ चलो हम सब पहले एक बार ये बोलेंगे पर बिल्कुल स्लो वॉइस में. जॉय. उसके साथ क्या बोलेंगे? सोरो. Selected from the list given below. Sit down. Sit down, both of you. Filling the blanks with suitable interjections selected from the list given below. यहाँ मैं एक लिस्ट दूंगी, उसमें सारे के सारे इंटरजेक्शन एक साथ होंगे और फिर नीचे ब्लैंक होगी, ब्लैंक्स होंगी, तो आपको उसमें से सिलेक्ट करना है और फिर आंसर लिखना है. ठीक है? ये सब कुछ नोटबुक में ही लिखना है. सब कुछ नोटबुक में ही लिखना है. Okay.
बनाओ, एक ब्रैकेट बनाना है और लिखो Have you all written?
started? What? 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 अटेंशन अटेंशन में को क्या क्या आता है? अच्छा अगर हम रेस जीत जाते हैं तो हम हुर्रे खुश 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 यानी और हम लो यूज कर सकते हैं खुश यानी कि अटेंशन पे अटेंशन द एग्जाम स्टार्टेड ऐसा हम बोलते हैं और अटेंशन के लिए हमें हुश यूज करना है हुश तो रेस हैज स्टार्टेड फोर चलो प्ले स्पीक सॉफ्टली मैंने आपको जो ऊपर लिखवाया है फीलिंग्स और उसके साथ हम कौन से इंटरजेक्शन यूज करेंगे उसको देखो और फिर आंसर दो हेलो हेलो भी चलेगा हेलो हेलो नहीं चलता चलो हेलो नहीं चलता स्पीक सॉफ्टली चलो कौन आंसर देगा हम वहाँ हुश भी यूज कर सकते हैं और लो ओके लो लो तो हम हुश यूज करेंगे स्पीक सॉफ्टली इसको भी हम अटेंशन में ही लेंगे ना क्यों धीरे से बोलो डोंट स्पीक लाउडली तो वो अटेंशन ही हुआ ना इसलिए लिखो सब लोग नाइन
बीच में ही था। नाइंस लेंग एस जी फेल, क्या वो फेल हो गया? हाँ। इससे हमें आश्चर्य होता है। व्हाट 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 हैज ही फेल्ड। लास्ट किसका लिख रहे हो? ड्रॉइंग। तो ड्रॉइंग का तो मैंने लिया अभी। चलेगा वो भी चलेगा, ओके okay? यहाँ हमारा लेसन नंबर 36 पार्ट 2 कंप्लीट होता है। एक बार घर जाके देख लेना।